हेलो वेलकम गाइस, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 यूट्यूब का, ठीक है। बट बुक का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ओके ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो इसके पहले जो दो सम हमने किए थे वहाँ पे हम लोग ने रिडेम्पशन किया था सीआरआर मेंटेन करके। बट ये क्वेश्चन में हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, मतलब हम लोग नए शेयर्स इशू करेंगे और पुराना जो प्रेफरेंस शेयर है उसको क्या करने वाले हैं, रिडीम करने वाले हैं, ठीक है। मैं जो फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस सीआरआर। तो इसके पहले जो हम लोगों ने सीआरआर का यूज़ किया था, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रेश इशू का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो अब चलते हैं बुक में और सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना यूट्यूब का क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। एच लिमिटेड हैड 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, मतलब अपन कितना शेयर्स रिडीम करने वाले हैं, 8000 शेयर्स, 100 रुपये का एक है, यानी कितना हो जाएगा, 800000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। फुल्ली पेड अप है, अब ये फुल्ली पेड अप का क्या मतलब होता है, आगे जब समय आएगा तो बताऊंगा। जैसे फुल्ली पेड अप वैसे पार्टली पेड अप भी होता है, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दीज प्रेफरेंस शेयर्स एट पार, ये जो शेयर्स हैं उसको क्या करने वाली कंपनी रिडीम करने वाली है, कैसे रिडीम करने वाली है, एट पार। तो एट पार एट प्रीमियम क्या होता है, मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है लास्ट सम में, ठीक है। बाय इशू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैसे रिडीम करने वाली है, फ्रेश इशू करने वाली। देखो यहाँ पे अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं उसके अंदर अपना रहता है ना फ्रेश इशू, तो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सीआरआर से थे, अभी कैसे करने वाले, फ्रेश इशू से करने वाले। तो कितना शेयर्स इशू करने वाले, तो यहाँ पे बोला है कि सफिशियंट नंबर, मतलब जितना अपने को रिक्वायरमेंट है उतना। इक्विटी शेयर्स कितने रुपये का है, 10 रुपये का एक है, और फुल्ली पेड एट पार। तो इशू भी हम लोग कैसे कर सकते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स को कैसे इशू करेंगे, सॉरी इक्विटी शेयर जो आपको नया वाला इशू कर रहे हैं कैसे इशू करेंगे, पार पे इशू करेंगे, मतलब 10 का शेयर है तो 10 में ही इशू करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ठीक है, ओके। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हमको प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, 8000, एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 800000 रुपये, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में 800000 इज इक्वल टू 800000 करना अपने को, तो कहाँ से करेंगे, फ्रेश इशू से। तो ये 800000 अपन कर लिए, लेकिन कैसे, तो हम इशू करने वाले हैं इक्विटी शेयर, बराबर है, ठीक है। तो एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये एक जीरो कम करोगे तो ये हो जाएगा 80000, ठीक है। तो यानी 80000 हम लोग शेयर्स इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू कितनी है इक्विटी शेयर्स की, 10 रुपये है। तो 80000 इंटू 10 रुपये करोगे तो 800000 हो जाएगा, ठीक है। तो 800000 इज इक्वल टू 800000, ये हो गया। चलो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो फ्रेश इशू है तो जैसे पहले सीआरआर की एंट्री मारते थे वैसे अभी किसकी एंट्री मारेंगे, पहले फ्रेश इशू की एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो फ्रेश इशू की एंट्री क्या होती है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब भी शेयर्स इशू करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो जब भी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। इक्विटी शेयर इशू करेगी तो इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तो प्रेफरेंस शेयर आएगा, सामने कैपिटल लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब कैपिटल के लिए ही शेयर्स क्या होते हैं, इशू होते हैं, ये बात समझा आपको। अच्छा, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट हुआ ना यहाँ पे। और जब रिडीम करती है तो क्या होता है, कैपिटल डेबिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है वो क्या होगा, क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, ठीक है। तो चलो वो तो अगली एंट्री है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 800000 ब्रैकेट में क्या आएगा, बीइंग 80000 इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार, ठीक है, हो गया। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, ये हमने फ्रेश इशू की एंट्री मार दी, अब हम लोग रिडीमशन की एंट्री मारेंगे। तो ये प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो देखो रिडीम कर रहे यानी रीपे कर रहे है ना, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है इधर? 8 लाख, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। बीइंग रिडेम्पशन मनी ड्यू एट द रेट 100 ईच फॉर 8,000 शेयर्स। तो फर्क दिख रहा है आपको यहाँ पे, जब इशू किया तो कैपिटल क्या हुआ? क्रेडिट, और जब रिडीम कर रहे हैं तो कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, ये आप लोग समझ के चलो, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है थर्ड? ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है? क्रेडिट है, तो अपन क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे, यानी पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना? 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। बीइंग रिडेम्पशन मनी पेड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझा होगा, समझा तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। चलो बाय।